श्री कृष्णा, मैं शाली सोनी एक बार दोबारा से आपके सामने हूँ नए व्लॉग में अपने चैनल शाली चैलेंज सोल में। आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मुझे पता है, और आई होप आप हमेशा स्वस्थ रहे, हंसते रहे। और आज के इस व्लॉग में एक्चुअली मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि मैं ये जो मेरी जो क्रचिज है ना, अभी तक मेरे आपने बहुत सारे वीडियोज देखे कि मैंने इन क्रचिज से चलती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको पहले मतलब 7-8 साल पहले जो मैं क्रचिज यूज करती थी वो वाली क्रचेस मैंने आज निकाली है। एक्चुअली थोड़ा सफाई करते टाइम मैंने वो क्रचेस निकाली है आज, और मैं दोबारा से उसको ट्राई करती हूँ आज कि मैं अब चल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अपने कहा था कि अगर मैं क्रचेस चेंज करती हूँ तो पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं मतलब कैसे मैनेज कर पाऊंगी इसको चलने में, क्योंकि हैबिट तो इन्हीं की हो गई है, इनमें कवर भी नहीं अभी देखी है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी हैबिट हो गई है, मुझे इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, बस यहाँ से हैंडल को सपोर्ट देना होता है चलने के लिए, और इसकी कवर्स भी नहीं है। इसके जब मैंने ये क्रचेस ली थी तो इसके कवर्स थे, फॉर्म वाले थे, बट वो मैंने वो रिमूव कर दिए, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से इतने ऊँचे हो जाते थे ना, और इनको अगर मैं लगाऊंगी तो ऊँचे हो जाते थे ऐसे करके, उसके बाद वो कवर भी इसके रिमूव कर दिए। तो मैं आपको पुरानी वाली क्रचेस दिखाती हूँ अपनी, ये देखिए ये इतनी हैवी क्रचेस है, ये फिर थोड़ी बहुत लाइट वेट, लेकिन ये जो क्रचेस है ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, इनको चल पाना तो पता नहीं कैसे होगा, बट लेट्स ट्राई, क्योंकि पहले कैलिपर तो मैं नहीं पहनती थी। हाँ, कैलिपर के साथ में इनको ले पाना थोड़ा इजी हो सकता है, बट रेगुलर बेसिस पर विदाउट कैलिपर चल पाना मुझे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। मैं अभी तक ट्राई नहीं किया है, आपके सामने ही ट्राई करती हूँ, और ये अभी थोड़ा सा काफ़ी टाइम से रखी हुई थी स्टोर में, तो उसके थोड़ा सा ये वाइट वॉश वगैरह ये भी मार्क है इनके, मैं बाद में आराम से साफ करूँगी, पहले थोड़ा सा ट्राई करते हैं चलने का। इनको मैं हटा देती हूँ, थोड़ा स्लीपी भी हो रही है, आई थिंक बहुत हैवी है, हो सकता है मैं गिर भी जाऊं, मुझे नहीं पता एक्चुअली। मुझे तो खड़े होने में ही डर लग रहा है इनको लेकर, बिल्कुल ही एकदम से चेंज है, क्योंकि इसके जो ये है ना सपोर्ट के लिए जो हैंडल ही है इसके, इसके ये बहुत ही ज़्यादा मतलब थिन है, काफ़ी पतले हैं, उसके थोड़े से सही थे, और रियल में मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि मैं बैलेंस मेरा बिगड़े और मैं गिर दूंगी, बट लेट्स ट्राई। इनकी जो नीचे रबड़ होती है ना, इनकी भी स्लिप होने का थोड़ा सा डर होता है मोस्टली, ये थोड़ा हाइट में भी मुझे लंबी लग रही है मेरी जो पहले वाली बच्ची है, इसलिए मैं थोड़ा सा इवॉल्व कर रहा हूँ ताकि मैं अनबैलेंस ना हो। मे बी कि अगर मैं इनको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आऊँ तो शायद मेरी हैबिट हो जाए, बट वेट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा ये डेली में। Thank you.
देखा आपने कि मेरी जो पुरानी क्रचिस थी और अभी की जो क्रचिस में कितना डिफरेंस हो जाता ना चलने में, आपको लग रहा होगा ये अभी गिरी और अभी गिरी और अभी गिरी। मुझे भी एक्चुअली लग रहा था कि मैं गिर ही ना जाऊँ। और ठीक है, अपने मतलब जो है पुरानी क्रचिस अभी इसको मैंने छोड़ दिया है, अब जो चल रही है नई क्रचिस वो चल रही है, और जब चेंज करूँगी तब सब कुछ देख कर चेंज करूँगी कि जो पुरानी क्रचिस है उसी से ही थोड़ी सी सिमिलर हो। बट सबसे ज़्यादा पता है क्या डर मुझे क्या लगता है, जब मैं क्रचिस से चलती हूँ ना जो उसके नीचे रबड़ होना वो उसके स्लिप होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे तो हमारे जो फ्लोर पे मार्बल है, बट जो टाइल्स वगैरह जैसे कहीं होती है कहीं जाना पड़ जाए वहाँ पे टाइल्स हो एकदम से जो स्लिपी होती है स्लिपरी होती है, या कहीं पे थोड़ा सा भी वाटर गिरा है या कुछ भी कोई भी चीज़ गिरी है, पॉलिथीन ही अगर चलते चलते आ जाओ मैं देख नहीं पाऊँ नीचे पॉलिथीन कहीं है उसके ऊपर, अगर मेरी एक क्रचिस पड़ जाती है तो नेचुरली बात है कि मैं स्लिप हो जाती हूँ, वहाँ तो नॉर्मल इंसान भी स्लिप हो जाएगा, तो फिर मेरी तो क्या बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्रचिस से चलने में कई बार बाहर जाने में इसलिए। लेकिन क्या होता है कि कैलिपर्स होते हैं ना, कैलिपर से जब मैं चलती हूँ ना तो उससे क्या है मेरा जो चलने का जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है थोड़ा सा। विदाउट कैलिपर्स क्या है मेरे जो मतलब लेग्स हैं वो बैंड होते हैं तो वो कई बार अनबैलेंस हो जाते हैं, अनबैलेंस होने की वजह से क्रचिस फिसल जाती है या तो पैर फिसल जाता है, इस वजह से मेरे को दिक्कत हो जाती है कई बार। तो इसलिए लेकिन कैलिपर से क्या है, कैलिपर से वो कैलिपर्स वाले जो लेग्स हैं, जब कैलिपर अगर मैं दोनों में पहनती तो अच्छी बात है, बाई चांस मैं एक में तो वैसे पहनती ही नहीं हूँ, अगर मैं पहनती भी हूँ कभी बाई चांस वैसे नहीं पहन सकती मैं सही बताऊँ तो आपको, लेकिन फिर भी उसमें गिरने का डर मेरा बहुत ही कम हो जाता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है मेरा। और बस यही है, इसलिए मुझे कैलिपर जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे कैलिपर पहनने पड़ते हैं। आपने कई वीडियोस में देखा है जैसे कि बाहर किसी फंक्शन में गई हूँ उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको जरा से भी अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर 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 कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया थैंक टू गॉड, और बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़िए, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ग्रो कीजिए, सब आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, यहाँ तक पहुँचा है मुझे और आगे पहुँचाइए। बस मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सब ध्यान रखिए, बाय।